ये देखिए कहाँ आ गई हूँ मैं, बिल्कुल सुबह सुबह। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और ये जो पिंक वाला फ्लावर देख रहे हैं, मुझे इतना पसंद आया, इतना अच्छा लगा कि मैंने बात भी कर ली कंपाउंडर साहब से। तो आप समझ चुके हैं कि मैं अस्पताल आ गई हूँ बाबू को लेकर के। तो यहाँ पे कई सारे और भी पेरेंट्स थे, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन आप देखिए कितने सारे पेरेंट्स थे अपने बच्चे को लेकर, लाइन में लगे हुए थे। क्योंकि 8:30 बजे से ये देखना शुरू करते हैं। मैंने वो पिंक वाला फ्लावर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बात कर लिया, अक्सर मुझे दीजिएगा जाने के समय, तो इन्होंने कहा था बिल्कुल आप ले लीजिएगा। तो मैं देखती हूँ लेकर जा पाती हूँ या नहीं। तो यहाँ पर अभी मेरा नंबर नहीं आया है, बाबू को दिखा कर मैं घर आ गई हूँ। मैंने कुछ सामान भी ख़रीदा है और जिस तरह की आप देख रहे हैं, नीचे भी रात में मैं किचन धो देती हूँ तो नीचे भी उसी तरह से साफ़ है, और बर्तन जो रात में धोया था सब कुछ उसी तरह से है। अभी बालकनी से मैं दूध लेकर आई हूँ, दूध रखा हुआ था, और इधर मैं 2-3 दिन से 1.5 kg ही दूध मैंने कर दिया है, क्योंकि बाबू अभी कुछ खा पी नहीं रहा है, दूध भी नहीं ही पी रहा है। तो आजकल बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का तो आप लोग सब परेशान इससे हैं। तो डॉक्टर ने चना का भुंजा कहा था, तो ये पटना में तो 150 रुपया किलो मिलता है, तो मैंने 1/2 kg लिया। और हरी मिर्च, अदरक ये सब नहीं था, नींबू वगैरह मैंने नींबू ले लिया कि चना के भुजा में ये नींबू डालकर खाएगा, क्योंकि 2-3 दिन से ये बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। तो मैं बिल्कुल सुबह उठी, नहा वहा कर जल्दी जल्दी पूजा वूजा करके मैं 8 बजे तक रेडी हो गई थी। ज़्यादा दूर तो जाना नहीं पड़ा, 10 मिनट में पहुँच गई थी, लेकिन मैंने इसीलिए आलू बॉयल किया था कि मैं आकर जल्दी जल्दी खाना बना दूंगी। लेकिन अस्पताल का तो यही होता है कि बस जाने भर की देरी होती है, वहाँ 1.5 से 2 घंटा समय लग गया, घर आते आते 10:30 बज गया। तो ये बोले कि अब मैं इसी तरह निकल जाता हूँ, मैं बाहर में कुछ खा लूँगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, रात में सेवई बनाए थे, सब्जी भी बची थी, मैंने जल्दी जल्दी कहा, रोटी भी थी, आप वही 2 ही खा लीजिए, बाकी आप दोपहर में आइएगा खाना खाने, लेकिन अभी फ़िलहाल आप खा के जाइए, भूखे मत जाइए। तो जल्दी जल्दी मैंने उनको खाना पीना दिया निकाल कर, उसके बाद मैंने दूध चढ़ा दिया है, और जो भी हरी मिर्च चूँकि मैं खुद से चुन चुन कर मैंने लिया है, तो इसको मैं रख दूँगी एक डलिया में निकाल कर, सबको धोकर रख दूँगी। हरी मिर्च, अदरक, नींबू, और एक डब्बे में चना का भुंजा रख दूँगी तुरंत ही, नहीं तो ये सेम जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो वहाँ से निकल रही थी तो मार्केट काफ़ी अच्छा है पाटलिपुत्र गोलंबर के पास, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ भी मिलता है। तो वहाँ पर हरी हरी सब्जियाँ, मशरूम, अमरूद तो इतना अच्छा था, देखने में लग रहा था कि कैसे लेकर मैं खा लूँ। तो ज़्यादा अमरूद वगैरह नहीं लिया, क्योंकि बाबू को भी सर्दी खांसी, इनको भी मुझे खाना था, और आज गुरुवार था, कल फिर मुझे नहीं खाना था। तो यही सोचकर कुछ सामान भी ख़रीदा, और दवाइयाँ तो बहुत ज़्यादा उन्होंने दी है। थर्मामिक्स हिक्स का जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उन्होंने कहा अब हिक्स में काफ़ी शिकायत आ रही है तो हिक्स का मत लीजिए। तो 190 रुपये में थर्मामीटर भी लेना पड़ा, और ये सामने में आप देख रहे हैं डलिया में सारा दवाई मैंने निकाल कर रख दिया है। समझना है चिट्ठा, कुछ डोज वहाँ पे मिला था तो उसके 2 घंटे बाद ही दवाई देना था, तब तक मैंने सोचा किचन में मैं कुछ काम निपटा लेती हूँ। और जब वो ऑफिस चले गए तो सेवई काफ़ी बचा हुआ था, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अब सेवई रोटी वगैरह ही खा लेती हूँ, और उसके बाद देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि बच्चा तो कुछ खा ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर मैंने अदरक और मिर्ची सब धो दिया है, ये सारी दवाइयाँ हैं। इसके पेट में भी हल्के हल्के दर्द की शिकायत थी, इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिपेशन का भी दवाई दे दिया, जबकि उतना कॉन्स्टिपेशन नहीं है। और ये मैंने मशरूम लिया है, और अभी तक मैंने आपके साथ मशरूम की सब्ज़ी शेयर नहीं की है, देखती हूँ मैं ये भी कर पाती हूँ या नहीं। ये रसगुल्ला से भी ज़्यादा महंगा है, 10 रुपया पीस पड़ा था, 1/2 kg चार अमरूद हुआ था तो 10 रुपया पीस पड़ा था। और ये मैंने लिया है खुला मिक्सचर, खुला जहाँ चना का भुंजा लिया, तो ये मिक्सचर इतना तीखा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी, तो ये मिक्सचर लिया था। और ये देखिए अस्पताल में मैंने देखा ये एकदम बिल्कुल गुलाबी गुलाबी ये खिला हुआ था। तो आप लोगों के पास मुझे लगता है जब तक वीडियो पहुँचेगा तब तक तो मैं इसको लगा चुकी रहूँगी, लेकिन फिर भी आप लोग सजेस्ट ज़रूर करिएगा इसको कैसे लगाना है, कैसे इसको डालना है, क्या अलग अलग इसको, मैं सोच रही हूँ कि चूँकि इसमें कई डंठल हैं तो अलग अलग से इसको काट कर लगाऊंगी। तो यही है कि मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ तो एक खुशी का पल उससे ढूंढ कर निकाल लेती हूँ। मैं ये सब शेयर नहीं, इतनी इतनी दवाइयाँ ये सब मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ कि भविष्य में फिर मैं कभी कहीं वीडियो देखूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ देगा वो पल, इसीलिए मैं बाबू को भी दिखाना नहीं चाहती हूँ। अभी आप समझ सकते हैं कि मतलब उल्टी ही कर रहा है, सुबह से कुछ नहीं, थोड़ा सा चना का भुंजा खाया, कल ब्रेड वगैरह खाया था, तबीयत पूरी तरह से उसका डाउन है, इसीलिए मैं विशेष कुछ नहीं कर पाती हूँ। और ये मशरूम मैंने पहली बार लिया है, और इसकी सब्ज़ी देखती हूँ, अभी तो सावन है, लहसुन प्याज नहीं डालूँगी, लेकिन देखती हूँ
कैसे बना पाती हूँ इसकी सब्जी। तो इसको मैंने फ्रिज में रखा था, अभी भी मैं बाबू के पास। हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं अचीवमेंट इन ऑल, मैं हूँ आपके साथ नम्रता। कल जो आपने देखा, कल का जो वीडियो देखा, जैसे फोन रिंग आपने सुनाई, आपको सुनाई दिया, उसके बाद मैं दोबारा कैमरा ऑन नहीं कर पाई। क्या स्थिति हो गई, क्या स्थिति हो गई कि आपको मैं किचन से दिखा रही थी और बाबू को हॉल में बैठाया था, तो चना का भुंजा वगैरह डॉक्टर ने कहा कि आप लोग लेकर बैठिएगा खाने, तो बच्चे खुद खाएंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे में कॉन्स्टिपेशन की समस्या आम हो गई है। तो मैंने क्या किया, डब्बे वगैरह में रखा, बाबू को बिठाया, और इसके पहले यानी कल गुरुवार था, बुधवार से ही बाबू का क्वेश्चन पेपर जमा है। बुधवार को तो उसने किसी तरह कर लिया था, लेकिन कल ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। सुबह उठते ही जब मैंने देखा, गई फिर वहाँ से आई, जिस तरह कि आप लोगों ने देखा, और उसके बाद गार्ड भैया का फ़ोन था किडजी स्कूल से कि आपका क्वेश्चन आया है। कौन है? गार्ड भैया का फ़ोन था कि आप क्वेश्चन लेके नीचे आए हैं मैडम। मैंने कहा आप बाइक पे रख दीजिए, अभी मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं जाती तो फिर ये भी चला जाता पीछे से, और मैं इसको छोड़ कर जाना नहीं चाह रही थी। मैंने हॉल में इसको बैठाया था और किचन से इससे बात कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाइक में रखा, और उसके बाद बाइक में रखने के बाद ही इतनी तेज़ बारिश हुई कि मेरा ये भी दिमाग काम नहीं किया कि आप लोग चूँकि पीछे के ब्लॉक को देखे होंगे, मैंने नीचे भी कई बार दिखाया है, ऊपर में छज्जा बना हुआ है, उसके नीचे बाइक है, लेकिन मुझे लगा क्वेश्चन पेपर भींग जाएगा। मैं दौड़ कर नीचे जो गई बस ये रोना शुरू कर दिया, और बच्चा रोता है तो खांसी शुरू हो जाता है, उसके बाद खांसते खांसते पूरा उल्टी, सोफ़ा वगैरह सब कुछ, मतलब ड्रेस तो मैं अपना अनगिनत बार बदल रही हूँ। आज मैंने सुबह सोफ़ा कवर धोया है, बेडशीट धोया है, मतलब खांसते खांसते ही उल्टी, और ऐसी तबीयत खराब मैंने कभी नहीं देखी थी। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं दिखा कर आई थी, इसकी स्थिति और भी बिगड़ गई। मतलब मुझे लगने लगा पता नहीं फ़ायदा किया है या नहीं किया है। और पटना के जो मशहूर डॉक्टर हैं निगम प्रकाश, वो बहुत ही अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने देखा, लेकिन दोबारा तिबारा जब उल्टी हुआ सिर्फ कफ निकल रहा था, तो कुछ राहत मिली। उसके बाद एक चार्ट दिया हुआ है कि कब कितना फीवर आता है, आप उसको लिख के रखिएगा। तो कई दिनों से, कई रात से, दो तीन रात कम से कम, रविवार से बाबू का ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है, शनिवार की रात से शुरू हुआ था। तो बच्चे जब बीमार हो जाते हैं फिर कुछ समझ में नहीं आता है, कई रात से ठीक से सो भी नहीं पा रही थी, बिल्कुल थका थका था, मन लग रहा था, ये बोल भी रहे थे कि एक काम करने वाली देखो, ये बोल भी रहे थे, और बाबू बगल में सोया है अभी, तो खांसी की आवाज़ आपको मिल भी रही होगी। गजब मतलब तबीयत ख़राब हो गया है, और अभी तो लग रहा है कुछ थोड़ा राहत है, लेकिन मैं दुख के पल में भी अच्छा पल ढूंढने का प्रयास करती हूँ। तो ये देखेंगे, ये तो इसने कर लिया था, ये बुधवार का इसने पूरी तरह से ये कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि खांसी वगैरह जो भी हुआ, कपड़ा वपड़ा मैंने इसको चेंज किया, और ये बिल्कुल अच्छे से सारा चीज़ इसने, इसमें कलर वगैरह था, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं था, वैसे छोटे बच्चे को कितना हार्ड वर्क मिलेगा, लेकिन जो भी था इसने बहुत ही अच्छे से किया। ये इमोजी फिल करना, ये वो, जो सब हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, इसलिए दिखा रही हूँ। मैं ज़्यादा सैडी वीडियो बनाना पसंद नहीं करती हूँ, दिखाना पसंद नहीं करती हूँ। तो ये तो इसने कंप्लीट कर लिया था, ये तो इसने बुधवार का कंप्लीट किया, लेकिन उसके बाद इसका जब गुरुवार का आया तो वही भीगने के डर से मैंने कहा आप रख दीजिए, आऊँगी नीचे लेने के लिए। गुरुवार को इतना तबीयत खराब हो गया कि खुद करने के लिए तैयार नहीं, और आज भी फ्राइडे है तो इसका यूँ ही रखा हुआ है। मैंने कहा मैम मैं सोमवार को मंडे को आपको भिजवा दूँगी, क्योंकि जो थर्सडे आने वाला है, थर्सडे को ही जो भी होगा मीटिंग वगैरह, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पीटीएम जिसको कहते हैं, तो थर्सडे को है। तो मैम ने कहा कि सारे बच्चे का पहले ही चेक हो जाएगा, एक समर बचा रहेगा, तो आप चिंता मत करिए मैम, आप सोमवार को भिजवा दीजिएगा। तो अब मतलब कि स्थिति थोड़ा सा अब लगता है कि हाउस हेल्पर रखना पड़ेगा, मैं बिल्कुल रखना नहीं चाहती हूँ, आप लोग तो देखते हैं शुरू से मैं लगी रहती हूँ, लेकिन बच्चे मतलब दो तीन दिन से तो यही स्थिति हो गई है कि कोई भी काम सही ढंग से हो ही नहीं पाता है, थोड़ा सा सोता है बस खांसी होती है, नींद खुल जाती है उसकी, तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन रिकवर कर रहा है, ठीक हो रहा है। और आप लोग भी दुआ करिए जल्दी ठीक हो जाए। तो आज तो फ्राइडे है, मैंने बाल धोया है, तो पूरी तरह से बाल अभी मेरा सूखा नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी खुला ही रखी हूँ। तो यही था टोटल का, बाकी आज का ब्लॉग कल आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेहनत तो करती हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों से बात भी करना बहुत ही अच्छा लगता है,
कम से कम क्या होता है वैसे तो लोग समाज में आपको अगल बगल वाले ये वो ना देखने वाले होते हैं ना पूछने वाले, क्योंकि सब अपने अपने टेंशन में होते हैं। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर आते हैं तो सोशल मीडिया पर आपके जो फ्रेंड होते हैं वो आपका केयर करते हैं। आप लोगों ने मुझसे बाबू के बारे में पूछा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलो कोई तो है जो मुझे पूछ रहा है, कोई तो है जो मुझे धैर्य रखने कह रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आप लोगों से मिलना, अपना रूटीन शेयर करना। तो आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल आपसे फिर से मिलते हैं, बने रहिए इस चैनल के साथ। और जो मैंने वो तुलसी का पिंडा बनाया था उसको पूरी तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया है, सिर्फ पेंट का काम बचा हुआ था। तो कल तो मैंने कुछ कल भी मैंने थोड़ा थोड़ा उसमें किया है, बाबू को बगल में सुलाकर थोड़ा थोड़ा किया है, और बारिश के डर से मैंने उसको अंदर कर दिया है। तो फाइनल आप लोगों को सोचा था कि दिखाऊंगी, अब फाइनल लुक ही उसका दिखाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, बने रहिए इस चैनल के साथ।